हिमाचल में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करने के मकसद से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में ये मोस्ट कॉमन कैंसर हो चुका है और इसकी जो तादाद बढ़ती ही जा रही है, तो ये बीड़ा मैंने पिछले 10 साल से उठाया है और मैं लगातार इसमें कार्य कर रही हूँ और आगे भी इसी में कार्य करूँगी। तो इसमें जो आज जो टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन विथ क्लिनिकल चेकअप, तो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी गई, उनको सेल्फ एग्जामिनेशन मेथड बताए गए। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जो देखा है महिलाओं में एक तो हेजिटेशन है, शर्माती है, आगे नहीं आती, तो ये बीमारी फिर आगे बढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता है कि उनकी डेथ तक हो जाती है। जो दूसरा जो मेन कारण है, अगर ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर उसको सही फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो हम महिला की जाँच बचा सकते हैं, उसकी उम्र या उसको ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर महिला को ये पता होना चाहिए, इसके लक्षण पता होने चाहिए, इसको हमने कैसे, क्योंकि पहला जो डॉक्टर होता है महिलाएं स्वयं खुद होती है कि इसकी जांच कैसे की जाए, कब की जाए, ये सारी जानकारी इस वर्कशॉप के माध्यम से हुई। आज जिला प्रशासन द्वारा एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप करवाया गया। इसमें हमने अपने ज़िले से सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और महिला मंडल्स को बुलाया था। हमारा उद्देश्य ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं जो एक सीरियस बीमारी है, ये जो कैंसर है, इसको इग्नोर करके ये सोचती हैं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं होगा, और उसको इग्नोर करके अपना चेकअप ही नहीं कराती हैं। तो आज जो हमारी वर्कशॉप हुई है, इसमें हमने शिमला से कंसल्टेंट हैं, ये जो कंसल्ट करती हैं उनको, कल्पना जी, ये आई हैं। इन्होंने विस्तृत से लोगों को, जितनी महिलाएं आई थी उनको बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किसी को हो सकता है और उसकी कैसे जांच करनी है। सबसे पहले डॉक्टर आप खुद हैं, आप अपनी जांच खुद करें। और यहाँ पे हमने सबको शपथ भी दिलाई और उनसे ये कहा कि आपने आज जो यहाँ सीखा है उसके माध्यम से आप अपने आसपास के 5 और महिलाओं को जोड़ें और इसके बारे में उनको जानकारी दें। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।